आप लोगों का खैर मकदम है, कश्मीर में आप आए हैं यहाँ, आप कहाँ से आए? आप अपना तारुफ दे दीजिए कि आप कहाँ से आए। और हम दोनों बेंगलोर से हैं, तो मेरा तीसरी बार है कश्मीर और इसका पहले बार। आपका नाम क्या है? सुशांत। आपका? जीशांत। आप बेंगलोर कर्नाटका से हैं, तो आपका आप तीसरी बार आया, पहली बार आया, आपकी क्या एक्सपीरियंस है कश्मीर आने की? ये विंटर में पहली बार था और एकदम सरियल लगता है, वेरी ड्रीमी। तो जब हम घोड़े पे गए थे आज साइट सीइंग के लिए, इट वाज टू ब्यूटीफुल टू बिलीव, एंड आई विश वी कुड स्टे अ फ्यू मोर डेज इन पहलगाम, बट या दिस इज आवर लास्ट डे हियर। मैं आपको एक बात बताऊंगा, पहले यहाँ पे जो गुलमर्ग ही विंटर डेस्टिनेशन के तौर पे मानी जाती थी, पहलगाम तो विंटर डेस्टिनेशन नहीं मानते थे, पहले इसको खाली समर डेस्टिनेशन मानते थे, लेकिन अब एक ट्रेंड चला काफी दो चार सालों से कि यहाँ पे काफी विंटर ट्रैकिंग भी होती है आजकल यहाँ। तो आपको क्या लगा जो आपने आज ट्रैकिंग की यहाँ, जो आप गए यहाँ, कौन कौन सी जगह आपने यहाँ पहलगाम में देखा और कैसा लगा यहाँ? नहीं, विंटर का तो बहुत खूबसूरत है क्योंकि ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन है ना। हम गुलमर्ग देख के आए और ये भी देख के आए, दिस इज डिफरेंट, इसकी खूबसूरती अलग है। आपको अंदर कश्मीर वैली, गुलमर्ग भी, गुलमर्ग मतलब पहल कश्मीर वैली, बाईसरन, डबियन, ये तो आपको अच्छा ही लगा होगा। आड़ो गए आप? आड़ो तो नहीं जाने नहीं दिया। अच्छा, आज रास्ता बंद होगा। आपको गुलमर्ग और पहलगाम में क्या फर्क लगा, कौन सा ज्यादा खूबसूरत? मुझे ये ज्यादा खूबसूरत लगा पहलगाम ज्यादा खूबसूरत। हाँ, ये ज्यादा खूबसूरत लगा। हाँ। गुलमर्ग अलग तरह का है, मतलब स्कीइंग अगर करना चाहो, राइट, थोड़ा एक्टिविटीज के लिए वो अच्छा है, लेकिन ब्यूटी जस्ट इन देखने के लिए जाने के लिए ये बेटर लगा मुझे। अच्छा, जो मीडिया में अक्सर कहा जाता है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा जो नैरेटिव बताया जाता है रिगार्डिंग कश्मीर, आपको यहाँ आके लगा कि उस तरह का कुछ है? नहीं नहीं नहीं, सच में नहीं, मुझे नहीं, सच में बोल रहे हैं, लोग बहुत फ्रेंडली है और सब मतलब मुस्कुरा के देखते हैं सब, तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब लोग यहाँ के हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, सपोर्ट करते हैं, ये तो सही आपको लगा ये? अच्छा, जो और लोग यहाँ आना चाहेंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? जरूर आना है, अगर ये नहीं देखोगे तो कुछ देखा नहीं है। पहलगाम, और उसमें पहलगाम आओ तो ये मिस नहीं करना है, पहलगाम तो शुडंट मिस। मतलब यहाँ पे हमारे काफी डेस्टिनेशन है, जिस तरह से हमारा पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, श्रीनगर है, उसके साथ साथ अभी काफी ज्यादा और डेस्टिनेशन है, जैसे दूध पथरी है, जैसे यूसमर्ग है, जैसे तोस मैदान है, गुरेज वैली है, बाकी जगह है। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी सभी लोगों के लिए कि आप आए समर में, स्प्रिंग में, तो वहाँ पे भी चले जाए, ये आपकी ओवरऑल मैसेज? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो समर में देखा नहीं हूँ, मैं विंटर में ही देखा हूँ। अब अभी विंटर में आप कब आओगे आप आगे? मैं अभी देखूंगा, एक बार समर आऊंगा या स्प्रिंग में आऊंगा, जब फॉल होगा ना उस टाइम पे, तो देखते हैं, विंटर में तो जरूर आना है फिर। तो कश्मीर के लिए आखिरी मैसेज क्या है, कश्मीर आने के लिए कश्मीरी लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी? कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहो, खूबसूरत है सब कुछ, लोग भी खूबसूरत है, और बचाओ इस जगह को। और एक आखिरी मैसेज मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जो यहाँ लोग आते हैं तो उनसे हम चाहते हैं कि आप भी अपने अपने लैंग्वेज में बोलेंगे कि जो यहाँ आए वो पॉलीथीन, जो प्लास्टिक, वो यहाँ ना लाए। तो अपनी लैंग्वेज में, जो आपका आपकी लैंग्वेज क्या है वहाँ? कनाडा। कनाडा में आप एक मैसेज एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए लगा लीजिए। दिस इदु परिसरद ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ, ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡ, ಪ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಫ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗಲೀಜು ಮಾಡದೆ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಜಾಗನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ತೊ ಆಪ್ಸೆ ಬಿಲ್ಕೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಲಗಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು, ಫಿರ್ ಮಿಲೆಂಗೆ.